सोम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे मैं कुछ सवाल पूछ लूं किसानों को लेकर, और कोशिश करेगा जी हिंदुस्तान हमेशा दरअसल ये पहल कर रहा है कि एक मंच हम ऐसा तैयार करें जहां पर किसानों का संवाद सरकार से हो, सरकार अपनी बातें भी रख पाए। सोम प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। शुरुआत दरअसल इसी मुद्दे को लेकर है जिस पर आज मैं बहस कर रहा था, उसी सवाल से शुरू करता हूं। क्या लगता है सरकार और किसान के बीच जो दूरियां बढ़ रही है, दरअसल वो वामपंथियों की एंट्री से है क्या? देखिए किसानों के नाल जो दूरी की गल नहीं है, जो भी जर की गलबात हुई है बड़े लंबे समय ले लंबे दौर की गलबात 5-6 घंटे 7 घंटे के बाद हर बारी गल हुई है और चंगे माहौल च गलबात हुई है और किसानों दिया सारिया मंगा तकरीब मनिया। ये बदकिस्मती है कि किसान लीडर्स जब मंगा मन हो गई सी तो सारे लोगों को रिक्वेस्ट करके वापस लेके जाना चाहिए सी, अंदोलन खत्म करना चाहिए सी, पर ये नहीं हो सकिया बदकुछ दिया। पर सरकार हले भी खुले दिल नाल उन्हां नाल गलबात करने हमेशा तैयार है। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हिंदी भाषी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने कहा कि सोमप्रकाश जी कह रहे हैं कि दरअसल सरकार ये चाह रही है खुले मन से किसानों के बीच बातचीत हो, किसानों की जो चिंता है उसे दूर करें। सोमप्रकाश जी फिर सवाल ये उठता है, किसानों की चिंता को लेकर सरकार बहुत संजीदा है, खुद प्रधानमंत्री भी ये बात कहते हैं, तो फिर बात क्यों नहीं बन पा रही है, पटरी पर क्यों नहीं बात आ पा रही है? देखिए 5 बार बात हुई किसानों के साथ, सभी लीडर्स में बैठे, 31 यूनियन पंजाब की और कुछ यूनियन दूसरे स्टेट्स के लोग भी बैठे जी, और उनकी जो जो मांगे उन्होंने मांगी सभी मान ली गई। उसके बाद तो लीडर्स किसान यूनियंस का लीडर्स का फर्ज बनता था कि इस एजिटेशन को खत्म करवाते। अब भी कोई उनको लेखा है या कोई जो समझते हैं बात करने की जरूरत है तो हम तो वी आर रेडी, हम गलबात करने के लिए तैयार हैं। तो सुप्रकाश जी ये पॉइंट्स भी आए कि दरअसल जो किसान नेता वहां पे पहुंचे उन्होंने कुछ ऐसी मांगे रख दी जिसको सरकार नहीं मान सकती, जैसे माओवादी साथी थे उनको छुड़ाने की मांगे, खुद पीयूष गोयल साहब ने कहा, क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे क्या सामने? नहीं वो तो कभी नहीं कहा हमारे मीटिंग में, तो कभी उन्होंने रेज नहीं किया। अब कोई लोग कोई नई डिमांड रेज कर रहे हैं तो उसका मतलब नहीं बनता कोई और डिमांड रेज करने का, नहीं तो रास्ता कैसे निकलेगा सर? किसान तो अड़े हुए हैं ना कि भाई कानून ही वापस लीजिए, रद्द कीजिए। देखो कोई भी बात हो, कोई झगड़ा हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, उसका समाधान तो बैठकर बातचीत से हल होगा। ये लीडर्स को भी पता है और सरकार को बड़ी क्लियर है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और इनडेफिनेटली ये बात लंबा चिर बात चल नहीं सकती। मैं सरकार की तरफ से इन लीडरों को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो गलबात करनी चाहे तो जब मर्जी गलबात करने के लिए सरकार तैयार है और इस मसले को हल करना चाहिए। लेकिन पॉइंट वही है सर सोमप्रकाश साहब, मैं सरकार तक अगर बात पहुंचा रहा है जी हिंदुस्तान, तो जी हिंदुस्तान यही कर रहा है किसानों की बात सरकार तक और सरकार की बात किसानों तक पहुंचा रहा है। मैं यही तो खुल के चाहता हूं कि आप बता दीजिए कि किसान जो है दरअसल ये कह रहा है कि हम तो बात करने जाएंगे नहीं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आएगा क्या, किसानों के बीच में आके बात करेगा क्या? देखो ऐसा नहीं होता सर, वहां बात करने नहीं जाएंगे, उनको जब चाहे बात करने के लिए सरकार तैयार है, लिख कर रिक्वेस्ट उनको इन्विटेशन भेजना हम भेज सकते हैं, हमारी कोई जिद नहीं है। सरकार किसान अपने हैं, किसान अपने भाई बहन हैं, देश के अन्नदाता हैं, उनका रिस्पेक्ट करना सरकार की जिम्मेवारी है और इसको जब उनकी सभी मांगे मान ली गई, हालांकि जो पहले कानून बने थे वो भी किसान के हित में बने थे लेकिन किसान यूनियन ये चाहती थी और लोगों की ये मांग थी, लोगों में ये भरम फैला कि हमारी जमीनें ले लेंगे, हमारे MSP खत्म हो जाएगा, इसके लिए सभी जो कुछ भी उन्होंने मांगी थी सभी मान ली गई। अब तो जिद है, हट है कि हमने कानून वापस कराना है, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये किसानों की जिद आपको लग रही है या फिर किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह है, बस इसका जवाब दे दीजिए सर। देखिए मैं यही बात करूंगा, अनफॉर्चुनेटली किसान यूनियंस को जो सपोर्ट कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है और जेडी कांग्रेस जिसने अपने चोन मैनिफेस्टो में डाला था कि हम ये कानून लाएंगे,
और सरदार मनमोहन सिंह ने ये बिल भी पेश किया था उनकी सरकार के समय में, उन्होंने पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा था कि बहुत बढ़िया कानून है और किसान का भला इससे हो सकता है। जो चीज उन्होंने मैनिफेस्टो में डाली है और उसके विरुद्ध अब बोल रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो के अगेंस्ट बोल रहे हैं, वो कर नहीं सके, हमने कर दिया है जी। बात तो इतना फर्क है जी। और शोभनी अकाली दल जो इसके करने के लिए दो आपके माध्यम से सभी चैनलों पे इसके हक में बोलता रहा है, अब इसके अगेंस्ट बोल रहा है जी। दिस अनफॉर्चुनेट शो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहना है सोम प्रकाश साहब का, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।